अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो नया पे के बारे में है। नया पे के बारे में ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने इसका इंट्रोडक्शन और फीचर्स आपसे शेयर किए थे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुलाहिजा कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो का मकसद है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ और नया पे के जो शेड्यूल ऑफ चार्जेस है वो भी आपसे शेयर करूं। तो व्यूवर्स, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मजीद आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। तो व्यूवर्स, नया पे एक ज़बरदस्त पेमेंट सोल्यूशन है। नया पे का ऑनलाइन वॉलेट और आप इसका डेबिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि वीज़ा के लोगों के साथ आता है। डेबिट कार्ड के ज़रिए आप इजीली इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए कोई प्रॉपर और बेस्ट अगर इंटरनेशनल पेमेंट के लिए कोई कार्ड है तो वो नया पे है। सादा पे भी है, लेकिन मैंने क्योंकि नया पे की सर्विस को बेहतरीन पाया इसलिए मैं इसी की तारीफ कर रहा हूँ। नया पे का डेबिट कार्ड मुझे रिसेंटली मिला है और नया पे में रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही आसान तरीका है। मैंने बहुत ही ईजीली अपनी रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट की। रजिस्ट्रेशन के लिए आपने सिर्फ इनकी मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी है, अपना मोबाइल नंबर और बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। इसके बाद आपने अपने आईडी कार्ड की कैमरे से पिक्चर लेनी है और अपनी एक सेल्फी बनानी है, यानी आपने कहीं जाकर कोई बायोमेट्रिक वगैरह नहीं देनी, सिर्फ आपके आईडी कार्ड और आपकी सेल्फी पर आपका अकाउंट बन जाता है और सिर्फ चंद घंटों में वेरिफिकेशन हो जाती है। और इसके बाद आपने अगर डेबिट कार्ड भी ऑर्डर करना है तो आप ऐप के ज़रिए ही अप्लाई कर सकते हैं। 3 दिन में डेबिट कार्ड आपके घर आ जाता है। मुझे भी 3 दिन में कार्ड रिसीव हो गया, सो इट्स सो सिंपल एंड ईजी। दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी ईजी पैसा या जैस कैश यूज़ करते हैं तो ये कंपनीज भी अपने डेबिट कार्ड ऑफ़र करती हैं, लेकिन ये डेबिट कार्ड सिर्फ लोकली यूज़ होते हैं, यानी पाकिस्तान में यूज़ होते हैं, जबकि नया पे का डेबिट कार्ड जो है वो आप इंटरनेशनल भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस कार्ड को प्ले स्टोर पे यूज़ करें, आप इसको अलीबाबा अली एक्सप्रेस पे यूज़ करें, फेसबुक एड्स चलाएं, यूट्यूब एड्स चलाएं, ऑनलाइन शॉपिंग करें, ई कॉमर्स करें, तो एक बेहतरीन यूजेज है इस कार्ड का, ख़ास तौर पे इंटरनेशनली। चलें व्यूवर्स, अब मैं आपको शेड्यूल ऑफ चार्जेस बताता हूँ नया पे के 2023 के। तो साइनअप फीस जो है वो बिल्कुल फ्री है, एनुअल फीस भी 0 है। डेबिट कार्ड की बात करें तो 2 तरह के कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं, वर्चुअल कार्ड और फिजिकल कार्ड। वर्चुअल कार्ड जो पहली दफ़ा आप अप्लाई करते हैं वो फ्री होता है, रीइशू अगर आप करवाएंगे तो उसकी फ़ीस 600 रुपये है। इसी तरह फिजिकल कार्ड भी फर्स्ट टाइम फ्री है और रीइशुएंस फीस इसकी 795 रुपये है। फिर इन्होंने वीज़ा के अलावा एक पे पाक कार्ड भी ऑफर किया हुआ है जो कि लॉयल्टी प्रोग्राम है, अगर आप वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस है 1808 रुपये और रीइश्योरेंस फीस भी सेम है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रांजैक्शंस, इसकी फ़ीस देख लेते हैं। मनी ट्रांसफ़र अगर आप करते हैं नया पे अकाउंट में तो वो फ्री है, और अगर आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी लोकल बैंक में 25,000 रुपये तक तो वो भी फ्री हैं, लेकिन अगर 25,000 से ज़्यादा आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके ऊपर 0.1% आपको चार्जेस पे करने होंगे, जो कि मैक्सिमम 200 रुपये तक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चार्ज होंगे। इसके अलावा अगर आप अपना कोई बैंक अकाउंट लिंक करते हैं नया पे के साथ तो वो भी फ्री में होगा। इंटरनेशनल कार्ड ट्रांजैक्शन की अगर फीस की बात करें वो है $0.25। इसके बाद मर्चेंट पेमेंट्स हैं, इसके फिक्स्ड कोई चार्जेस नहीं है, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है एज शोन एट द टाइम ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। फिर इसके बाद ट्रांसफ़र इंटू नया पे अकाउंट वॉलेट, ये भी फ्री है। अगर आप रास्त आईडी के ज़रिए लोड करते हैं तो वो भी फ्री है, और अगर किसी कैश काउंटर पे जाते हैं और वहाँ से डिपॉजिट करवाते हैं नया पे अकाउंट में तो उसकी फ़ीस 10 रुपये होगी। इसके बाद बात करते हैं कैश विदड्रॉवल की। पाकिस्तान भर में किसी भी एटीएम को अगर आप यूज़ करते हुए डेबिट कार्ड से पैसे निकलवाते हैं तो 23 रुपये 44 पैसे इसके चार्जेस होंगे, लेकिन अगर आप मीज़ान बैंक का एटीएम यूज़ करते हैं और वो भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के साथ तो उस पर 50 रुपये चार्जेस हैं। और अगर इंटरनेशनली किसी एटीएम से आप नया पे डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उस पर जो फीस है वो पाकिस्तानी 200 रुपये हैं पर ट्रांजैक्शन। फिर इसके अलावा कुछ अदर चार्जेस भी हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंट रीइंस्टेटमेंट फीस 1100 रुपये है। अगर कोई डिस्प्यूट आपकी होती है, कोई चार्ज बैक है, कोई वीज़ा का इशू है तो इसके ऊपर $2 चार्जेस हैं। मर्चेंट इनिशिएटेड रिफंड्स वो फ्री हैं, और अगर आप अपनी लिमिट बढ़ाना चाह रहे हैं और आप उसके लिए अपनी इन ऐप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देना चाह रहे हैं
तो उसकी जो फीस है वो 99 रुपये है। और लास्ट में है बैलेंस इंक्वायरी ऑन ATM, लोकल ATM अगर आप यूज़ करते हुए बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो 3 रुपये 13 पैसे आपको पे करने होंगे, और अगर इंटरनेशनल ATM से आप बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो 150 रुपये इसके चार्जेज हैं। तो व्यूअर्स, ये था नया पे का शेड्यूल ऑफ चार्जेस। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।